साहब मुझे भाई सिक्योर करती हुई काफी अच्छी तरीके से। और गाइज आज हम जाने वाले हैं जो अंडर वाटर माफिया की हम गाड़ियां लेके आए थे भाई, डिलीवरी लेके आ चुके हैं, तो भाई इन सबको पहुंचाना भी हमें भाई सुख सुविधा से और सुरक्षित टाइप से। तो भाई सिक्योरिटी आज हमारे साथ जाने वाली है थोड़ी बहुत, तो और थोड़ी बहुत भाई ट्रक वगैरह चलाने के। बाकी बैनी ने भाई ये वाले ट्रक भेज दिए हैं इधर की साइड। बैनी ने यार कल काफी खतरनाक ट्रक भेजे थे, आज भी देखो काफी खतरनाक ट्रक भेजे हैं। क्या लिवरीज बना रखे भाई, स्लैम ट्रक के और 0001 नंबर भाई ट्रक पे 0001 नंबर रखा हुआ है, मतलब सिस्टम तो है। डिफेंडर लेके आ चुके थे हम, जी वैगन भी लेके आ चुके हैं, काफी लग्जरी कार्स हमारे अंडर वाटर माफिया ने मंगाई है, तो भाई हमें तो भाई सिस्टम सेट करना पड़ेगा। बाकी हमारी सिक्योरिटी आप सब लोग देख सकते हो काफी खतरनाक तरीके से यहाँ पे काम करती हुई। और भाई जो अंडर वाटर माफिया कह रहा है कि आज किसी रॉयल फैमिली से भी तेरे को एक बिजनेस मीटिंग के लिए मैं भेजने वाला हूँ, तो रॉयल फैमिली यार अब मेरे को तो नहीं पता, मैं कभी मिला भी नहीं उनसे, तो भाई आज जाके देखना पड़ेगा कि कौन सी रॉयल फैमिली है भाई शहर में, उससे भी मीटिंग कर लेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, सारा सिस्टम सोदा पानी तो हम कर ही देंगे, पर उससे पहले आपको भी एक सिस्टम सोदा पानी करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। पहले भाई मैं जूस वूस पी लेता हूँ क्योंकि अभी उठा, और भाई सुबह सुबह ना किसी को मार धाड़ रहे थे तो तब मेरे को आवाज आई कि भैंस की सुबह सुबह क्या मैटर हो गया भैंस की भाई, तो फिर मैंने सोचा भाई नीचे चल के देखते हैं। नीचे चल के देखे तो भाई एक बॉडी गार्ड आया हुआ था, उसकी भाई पिटाई करने में लगे हुए थे दो तीन बंदे भाई, दांत वात तोड़ दिए, उसके खून वून निकाल दिया। और फिर अन्ना का फोन आया मेरे पास कि माइकल तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से, तो मैंने कहा अरे चचा नेहरू तेरे जैसे बहुत आते हैं यहाँ पे, और बाकी ताजमहल की पेंटिंग देख लो काफी महंगी लेके आए हम इंडिया से लेके आए। तो गाइस अभी हमें करना है क्या कि अभी थोड़ी देर में ना हमें निकलना है कहाँ पे, जैसे अंडर वाटर माफिया का फोन आएगा ना कि भाई मैं आ चुका हूँ अपने बेस पे, तो फटाफट मेरी गाड़ियां लेके आ जा, वो टेस्टिंग वगैरह करके देगा, सारी चीजें करके देखेगा। और फिर उसने कहा कि भाई कल रात को फोन आया था, उसने कहा कि एक रॉयल फैमिली मीटिंग होने वाली है, उसमें तेरे को जाना है और हमारी चीजें कुछ रिप्रेजेंट करनी है तेरे को जाके। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से भाई सारे सिस्टम सोदा पानी कर देंगे। बाकी भाई जो मेरा बेटा है जिमी, वो भाई अभी गया हुआ है इंडिया की साइड, जैसे कि आपको पता है कि मैं अपनी फैमिली को भेज चुका हूँ। तो ये देख सकते हो कमरा कितना सूना सूना लग रहा भाई, आखिरी बार उसने पिज्जा खाया था हरामी ने, तो मैंने तो प्लेट भी साफ नहीं करी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, काफी जल्दी हम हमारी फैमिली को भी लेके आएंगे इंडिया से वापस, जब हमारे सारे राड़े खत्म हो जाएंगे ना फिर हम लेके आएंगे, काफी खतरनाक वाले सीन करेंगे और भाई काफी ज्यादा मजा भी आएगा आप सब लोगों को फिर। बाकी गाइस अभी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बेड भी रिनोवेशन के लिए भाई भेज दिया मैंने, काफी खतरनाक तरीके वाला एक बेड भी आने वाला है जिसको देख के आप कहोगे वाह माइकल वाह, बेड हो तो ऐसा वरना हो ही ना। और भाई बाकी शीशा कैसा लग रहा है ये तो आपको बताना ही चाहिए क्योंकि राजस्थान के रजवाड़ों से मंगवाया हमने, काफी खतरनाक वाला। तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, अभी जूस वूस पी लेते हैं और भाई सारी चीजें का वेट करते हैं, जैसे अंडर वाटर माफिया का फोन आएगा तो हमें यहाँ से निकलना। बाकी ये फोटो देखो भाई, अगर आप मेरे बेटे को नहीं जानते तो मेरे बेटे का नाम जिमी है और ये जो मेरी बीवी है ये अमांडा, और एक हमारी बेटी भी, एक बेटा और बेटी है, तो बेटी का नाम है ट्रेसी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारी इनकी फोटो देख के अभी तो काम चलाना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब काफ़ी ज़्यादा मिस करता हूँ अपनी फैमिली को कि वो मेरे को छोड़ के भाई वहाँ पर भेजना पड़ा मुझे, मुश्किल मतलब मुश्किलों में भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रोज़ बंदे आ रहे थे भाई, लड़ाइयाँ हो रही थी, तो ये सब देख के मैंने भाई फिर ये डिसीजन लिया था कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, सारा सिस्टम सोदा पानी सेट होने के बाद ही करते हैं। बाकी मेरा जूस भाई साहब रेडी हो चुका है, देख सकते हो मिक्सी में बना के मैंने रख दिया था, तो फटाफट जूस वगैरह पी लेता हूँ फिर आप सब लोगों से मिलते हैं। और हमारी सारी गाड़ियां निकलेगी आज अंडर वाटर माफिया के बेस पे जाने वाली और वहां पे डिलीवरी देके आएंगे क्योंकि लास्ट ये ऑब्जेक्ट होगा भाई। वैसे ना अंडर वाटर माफिया मेरे को काम पे तो काम दिए जा रहा पर अभी तक कोई भी रिटर्न नहीं आया, तो आज मैं वो भी बात करूंगा कि भाई साहब फटाफट ना मेरे को पैसा भी भेजो भाई, मैं इतने ज्यादा काम करने में व्यस्त लगा हुआ हूँ भाई, दिन रात लगा दी। और बाकी भाई चाय के लिए पतीला भी चढ़ा दिया, चाय भी बन रही है उधर की साइड, और बाकी कोई चलो भाई अभी तो साफ है, अभी मैंने सुबह सुबह कोई भी बर्तन गंदा नहीं करा है। तो भाई इस अपनी चाय वाय पी लेते हैं, जूस वूस पी लेते हैं, फिर आप सब लोगों से मिलते हैं, जैसे अंडर वाटर माफिया का फोन आएगा हम लेके निकलेंगे अपनी तीनों लग्जरी गाड़ियां, डिफेंडर, मर्सिडीज जी वैगन एंड फॉर्च्यूनर, लेट्स गो। जितने आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो मेरे प्यारे, लेट्स गो। सो गाइस फाइनली अंडर वाटर माफिया का फोन आ चुका है, अब हम जाने वाले हैं भाई अपनी सारी गाड़ियां लेके। भाई कमर में दर्द हो गया था, मैं तो सोने वाला था, थोड़ी देर में टिल्ट भी हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, अपने सारे ड्राइवर वगैरह रेडी हो चुके हैं, सिक्योरिटी भी लोड हो चुके हैं, जो बंदा हमारे साथ जा रहा है और बैनी के ड्राइवर भी आ चुके हैं, तो अभी बस निकल ही रहे अपने घर से, लेट्स गो। बाहर की साइड देख सकते हो सब भाई अपनी सिक्योरिटी भी तैनात हो चुके हैं, जाने के लिए भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बिड़ो को इधर की साइड से निकलने में क्या बात है, सारी सिक्योरिटी देख सकते हो। अरे यार ये खून तो साफ करवा दियो, ठीक है, ये काफी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे भाई, उसके दांत के टूटे हुए खून भाई क्या ही बोले भाई साहब। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, अब हम यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं। चलो भाई सिक्योरिटी खोल दे अपने गेट भी, चलो भाई साहब, रे क्या बात है, आराम आराम से आइए ससुरो,
अरे उधर कहाँ जा रहा ससुरे? चलो भाई खुल चुका है गेट, खुल चुका है अपना, आराम आराम से इधर की साइड से हमें निकलना है। देख सकते हो भाई साहब सारी गाड़ियां अपनी निकल चुकी है। ओ भाई साहब कितना लंबा कट मारना पड़ रहा है। अबे ससुर आराम आराम से आना वरना तुम्हारी खुद ही तोड़ दूंगा मैं। चलो भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो अपनी सिक्योरिटी निकल चुके तीनों ट्रक लेके, भाई साहब क्या लग रही है। और भाई साहब अपनी सिक्योरिटी भी ऊपर की साइड बिठा रखी हमने, तो भाई साहब क्या बात है भाई रे, सिस्टम है मौज बांधी, क्या बात है क्या बात है एकदम। अरे ससुरे कहाँ मिट रहे पीछे की साइड? अरे इधर आओ इधर। अरे यार ये शॉर्टकट टाइप से नहीं जाना भाई, हमें इधर की साइड से चलना है भीड़ लोगों। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, ये उधर की साइड से आ रहे हैं, हम तो इधर की साइड से निकल लेते हैं। चलो भाई साहब कम्युनिकेशन एरर हो सकता है कि भाई अभी इनको कॉल देता हूँ कि फटाफट इधर की साइड से आ जाएंगे। बाकी भाई साहब अपनी डिफेंडर तो देख सकते हो क्या प्यारी लग रही है, एक नंबर भाई साहब एक नंबर चीज है। और भाई वो कहाँ रह गए यार, मेरे को अभी भी चिंता हो रही है। आ रहे हैं पीछे की साइड आपको दिख रहे होंगे, आ रहे हुए हैं वो, आराम आराम से आ जाएंगे। बाकी हमें भाई काफ़ी खतरनाक तरीके से इधर की साइड से तो निकलना है। बाकी भाई अंदर से इंटीरियर दिखाऊं इस ट्रक का, तो कुछ ऐसा इंटीरियर है भाई, अपनी सिक्योरिटी में हमारे साथ खड़ी है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा तो आने वाला है भिड़ो को। लेट्स गो। ओके क्या बात है क्या बात है। धीरे धीरे हमें पहुंचना है अंडर वाटर माफिया के उधर, और अंडर वाटर माफिया हमें कुछ रिवॉर्ड भी दे सकता है शायद हम ये गाड़ियाँ पहुँचाएंगे तो। बाकी भाई साहब आराम आराम से टिकट आराम आराम से चलना चाहिए वरना सिस्टम तो दीपानी हो जाएगा। पैनी का ट्रक वैसे साला खराब ही सा है भाई चलने में। ये देख रहे हैं इस ट्रक में पता है एक सबसे बेकार चीज़ क्या है, ये बहुत देर में टर्न लेता है। देखो अब भाई कहाँ ब्रेक लगाए इधर, अभी तक ब्रेक नहीं लगे। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, अभी तो आराम आराम से हम इधर की साइड से निकल रहे हैं। होली होली की देवी चिन्ह पतलों दी, आराम से पीछे अपने ट्रक भी आ रहा है, आराम आराम से आन दो सबको, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से वहाँ पे जाएंगे वाटर माफिया से भाई, आज तो रिवॉर्ड भी मांगे कि भाई इतना काम करा रहा है कुछ तो भाई रिवॉर्ड दे। बाकी भाई रॉयल फैमिली के साथ आज हमारी मीटिंग भी है तो देखते हैं क्या प्रपोजल रखना, वहाँ पे क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें भी आज हमें बताने वाले हैं भाई साहब। वहाँ पे जाने के बाद ही पता लगेगा, अब यहाँ से तो हम क्या ही कह सकते हैं। जो भी बातचीत होगी भाई साहब पूरे कॉम्प्रोमाइज़ के साथ तो बिल्कुल नहीं करूँगा। मैंने पहले कह दिया कि भाई साहब कुछ भी एक गंदी तरह की डीलिंग भेजता हो ना सेक्रीफाइस करने वाली, तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। पर फिर भाई अंडर वाटर माफिया ने मेरे को कहा कि सेक्रीफाइस वाली मीटिंग मैं कभी नहीं करता बेटे माइकल, अभी आदत रहते ज़्यादा जुबान चल रही है ना वो जुबान चलाते। तो फिर मैं भाई डर गया उससे और मैंने कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं आराम आराम से अभी चलते हैं। तो लेट्स वाइज वाटर माफिया के मैंशन के उधर की साइड ही चलते हैं और फिर आपसे लोगों को दिखाते हैं क्या सिस्टम होता पानी होने वाला है। बाकी अपने दो ट्रक यार काफ़ी पीछे रहे, एक तो दिख रहा है रेड वाला दिख रहा है आपको वो दिख रहा, और एक ट्रक पता नहीं किधर रह गया है। दोनों को आंदो फिर आपसे लोगों को दिखाते हैं उधर की साइड चल के, काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। और ड्राइवर को भी भाई एक काफ़ी जल्दी एंट्री होने वाली है। ड्राइवर कह रहा था कि मैं यार एक काफ़ी खतरनाक डील लेके आने वाला हूँ माइकल दे ले, तो मैंने कहा ड्राइवर चल कोई दिक्कत नहीं। और बाकी फ्रैंकलिन का यार आजकल अता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ पे गया है। उसको मैंने अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए भेजा था तो भाई उसके बाद वो मेरे को दिख ही नहीं रहा है। ससुरा कहाँ पे मर तो नहीं गया? तो गाइस फ्रैंकलिन को भी अभी फ़ोन करूँगा और पूछूंगा कि कहाँ पे रह गया ससुरे। पीछे एक और ट्रक दिख रहा होगा आपका आ रहा है भाई, वहाँ पे बॉडीगार्ड भी दिख रहा होगा और गाड़ी मेरे को नजर आ रही आ रही आ रही भाई आ रहे हैं तीनों अपने ट्रक आ रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, अभी पहुँचते हैं अंडर वाटर माफिया के मैंशन की साइड और फिर आप जो लोगों को दिखाते हैं सिस्टम हैंग होने वाली मीटिंग। लेट्स गो। अंडर वाटर माफिया मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका हूँ भाई, पैसों की जो थैया लगाई है ना इसने भाई बक्से के बक्से खोल दिए इसने भाई, इतना ज़्यादा इंप्रेस हो चुका है आपसे अंडर वाटर माफिया। कह रहा भाई माइकल तू काफ़ी खतरनाक काम कर रहा है भाई साहब, अंडर वाटर माफिया खुद देखने गाड़ियां बाहर आया और इसने गाड़ियां वगैरह देखी और कहा कि भाई काफ़ी ज़्यादा खुश हो। बाकी अंडर वाटर माफिया को मैंने भाई कहा कि भाई मैं काफ़ी ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहा हूँ, तो फिर उसने कहा कि मैं समझ गया माइकल तू काफ़ी अच्छा काम कर रहा, तूने डिलीवरी भी अच्छी तरीके से करवाई और पैसा देख सकते हो भाई साहब, ये लकड़ी के बॉक्स ला के रखे ना ये इतनी सारी सिक्योरिटी आई यहाँ पे, फिर भाई बक्से जो खुले फिर तो भाई साहब मजा सा आ गया। तो भाई अंडर वाटर माफिया को हम धन्यवाद भी बोलते हुए कि हमारा भी उन्होंने पूरा ख्याल रखा है। और बाकी भाई ये जो पैसा है भाई सिर्फ मेरा है, जो सिक्योरिटी को भी भाई अलग से पैसा मिलेगा जो हमारे वहाँ पे है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे तो उनकी सैलरी तो ये यहाँ से भेजेगा ही, तो भाई काफ़ी ज़्यादा मजा आ चुका है। तो भाई अब अंडर वाटर माफिया बोल रहा है तीनों गाड़ियाँ खड़ी कर दे और भाई जो ट्रक वाले हैं इनको भेजते हैं यहाँ से फटाफट, क्योंकि भाई साहब मेरी एक काफ़ी खतरनाक मीटिंग के लिए तुझे जाना है, तो रेडी होके आ जा सूट वूट पहन के और फिर भाई तेरे को निकलना है। रॉयल फैमिली के साथ आज मीटिंग है उनके होटल में, तो वहां के लिए मुझे निकलना है। पूरे से स्पॉइलर वगैरह दिया तो भाई काफी ज्यादा मजा आ गया मेरे को तो देख के कि क्या बात है, सिस्टम हैंग कर दिया अंडर वाटर माफिया ने। तो कहा कि रॉयल फैमिली का जो छोटा वारिस है उसके साथ आज तेरी मीटिंग वगैरह रखने वाले हैं काफी खतरनाक वाली, तो तेरे को वहां पे भी जाके आना और काफी मजे तरीके से भाई काफी अच्छी डील करके आएगा,
तो तेरे को और भी पैसा मिलेगा। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम तो हैंग कर ही देंगे हम। भाई साहब इतना तो रखते हैं कूदा अपने अंदर भी कि भाई एक मीटिंग में भाई अपना पूरा जोर लगा दे। और ये कह रहे हैं कि भाई रॉयल फैमिली से जो मीटिंग करनी है वो किस बारे में करनी है, तो उसकी अभी पूरी बातचीत करेंगे। पर इसने जो कहा है कि भाई सूट वूट पहन के आ जाओ, फिर मैं तेरे को सारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो भाई सारी चीज़ मैं सुन लेता हूँ और फिर सूट वगैरह भी पहनना और काफ़ी अच्छे तरीके से जाना, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी महंगे महंगे लोग आएंगे। महंगे महंगे इन द सेंस बोले तो अमीर अमीर, तो समझ रहे हो। बाकी गाइज यहाँ से व्यू दिखाऊं आपसे लोगों को, भाई अंडर वाटर माफिया ने अब मेरे को इतनी छूट दे दिया, सारे सिक्योरिटी गार्ड्स में से मेरे को कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, चाहे मैं टेरेंस पे चढ़ू कहीं पे भी चढ़ू। और अंडर वाटर माफिया का मैंने भाई भरोसा भी फिर से जीत लिया है, क्योंकि भाई उसकी ड्रग वाली डील भी हमने करवा दी है और एक और ड्रग डील आज होने वाली है उसका भी। भाई वो कह रहा था कि भाई तेरे को ना पहले रॉयल फैमिली से मिलने जाना है। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं रॉयल फैमिली से मिल लूँगा फिर ड्रग डील भी मैं करके आ जाऊँगा। तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, सारा सिस्टम सोदा पानी तो आज हम करने वाले काफ़ी खतरनाक तरीके से और काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। अभेद भाई कामों में हम घुस चुके हैं। और भाई अभी पहले मैंने बोला कि एक डिनर भी हो जाए साथ में, तो उसने मना कर दिया कि अभी माइकल मैं इतना फ्रैंक मत हो, धीरे धीरे तू मेरे साथ खुले एक साथ खुलेगा तो भाई हर किसी को यहाँ पे अच्छा नहीं लेगा। तो भाई छोटे वारिस के साथ हमारी आज मीटिंग भी होने वाली है और काफी खतरनाक खतरनाक चीज भी होने वाली है। तो मैं रेडी वेडी हो जाता हूँ, फिर मिलते हैं आप सब लोगों से एक खतरनाक सिक्योरिटी के साथ प्रोटोकॉल के साथ। आज हम जाने वाले हैं भीड़ लोगों, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को, लेट्स गो। ठीक है समझ गया आ रहा हूँ अंडर वाटर माफिया। तो भाई अंडर वाटर माफिया का मेरे पास फोन आ चुका, कह रहा है माइकल जल्दी आ जा अंदर की साइड, तेरा मैं वेट कर रहा हूँ। बाकी गाइस गाड़ियाँ हमने लोडेड करवा दी है नीचे एक साइड, स्लैम ट्रक भी भेज दिए और भाई जो पैसा है उसके लिए भी मैंने लेस्टर को बुला के अपने ट्रक में भिजवा दिए सारे पैसे। बाकी भाई अंदर अब हमें बुलाया जा रहा है, कह रहा है कि भाई जल्दी से आ जा, माइकल फोन आया भाई। अब तो सीधा अंडर वाटर माफिया मुझे फोन भी करने लग गया कि माइकल जल्दी से आ जा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे कहीं पर निकलना है काफ़ी खतरनाक मीटिंग के लिए। तो मैंने कहा चलो आ रहा हूँ भाई साहब, तो काफ़ी खतरनाक मीटिंग तो आज होने वाली है यहाँ पे। भाई साहब क्या बात है, एक नंबर मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे मीटिंग होगी और मेरी मीटिंग होगी रॉयल फैमिली के छोटे वारिस के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। चलो भाई साहब, तो कोई रोकता भी नहीं है, कोई टोकता भी नहीं है, सीधा हमें जाना अंदर की साइड और भाई फिर सिस्टम हैंग करना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो यहाँ पे किधर बैठा, किधर, अरे चचा नेहरू आज तो यहाँ पे बैठे। अरे भाई ये जो शेर है ना भाई, इसको मैं देख के डर जाता हूँ कई कई बार, तो देख सकते हो। हाँ भाई अंडर वाटर माफिया के आला सिस्टम है जी। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, अभी हमें कर लेते फिर बातचीत इनसे भी। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे। अरे यार बैठने के लिए मत बोलो, इतनी देर से मैं बैठ ही रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप फटाफट बोलो, जो जो चीज़ें करनी है हमें वो चीज़ें मैं आराम से कर दूंगा। आप सब लोग बोलते रहो कि मेरे को क्या क्या करना चाहिए। एक तो भाई जो बिजनेस के बारे में वो बात करनी है, और वो बिजनेस में पार्टनर बनाने वो वाली बात करनी है। तो सारी बातें मैंने आपको बताई दी है कि भाई ये चीज़ें होने वाली। बाकी सीसीटीवी कैमरा देख रहे हो सामने, बाकी अंडर वाटर माफिया मेरे को बोल रहा है कि भाई आराम से बात करियो पूरी तमीज़ से, क्योंकि काफ़ी विश्वास है इसीलिए मैं तेरे को भेज रहा हूँ। तो यार चिंता मत करो यार, अंडर वाटर माफिया सिस्टम हैंग कर देंगे आपके लिए, मैं जा रहा हूँ ना, अभी तक कोई गलती नहीं हुई ना, तो आगे भी नहीं होगी, तो दिक्कत मत बनाओ। मैं आराम से पूरी डील वगैरह करके आऊँगा, जो जो चीज़ें होगी आपसे आपको मैं ब्लूटूथ पे कनेक्ट भी रखूँगा, आप जो बोलोगे वो चीज़ें बोलते रहना, मैं कान में भी लगा के रखूँगा। बाकी आप यहाँ पे मीटिंग करना, मैं वहाँ पे काफ़ी खतरनाक डील करके आऊँगा आप सब लोगों के लिए भी। तो भाई दिक्कत मत लो, बाकी आपके मन में कुछ भी हो तो फ़ोन करके फटाफट बता देना। बाकी मैं लेट रहा हूँ, सूट वगैरह पहन लिया मैंने, अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। चलो ठीक है फिर, ओके ओके बाय बाय। तो अंडर वाटर माफिया ने भाई मेरे को समझा दिया है कि सारे बिजनेस डील्स एक्यूरेट करके आई हो, कुछ भी इधर से उधर हुआ माइकल तो तेरा मैं खोपड़ा तोड़ दूंगा। तो भाई इस बार वाली अगर मैंने मीटिंग कर ली तो भाई उसने मेरे को एक ऑफर भी दिया है काफ़ी खतरनाक वाला, जिसको सुन के भाई मैं तो एक मिनट के लिए हिल गया था अभी कि भाई साहब ये क्या बोल दिया इसने। अगर उसने भाई ये वाली चीज़ वाली मीटिंग करके आया तो मेरे अंडर एक बिजनेस भी वो देने वाला है, मतलब बिजनेस मिल गया तो भाई साहब फिर तो पूरी सेटलमेंट हो जाएगी हमारी, और पैसा ही पैसा, क्योंकि 25 से 26, 26 से 27, 27 से 28 बनाने में दिन नहीं लगते। और जब तुम्हें तिजोरी की ताब चाबी मिल जाए तो ताला तो तुम खोल ही लोगे फिर, तो यही समझ रहे हो। धीरे धीरे हम अंडर वाटर माफिया के खास होते जा रहे हैं और काफ़ी कुछ लग्जरी चीज़ें हम करते जा रहे हैं। बाकी मैंशन भाई काफ़ी तगड़ा है सरामी का, भाई रात के टाइम पे मैं आप सब लोग को काफ़ी जल्दी मैं दिखाने वाला हूँ ये वाला मैंशन। और यहाँ पे भाई अंडर वाटर माफिया पता है ये वाली मीटिंग क्यों करी, जितना मेरे को समझ आ रहा है कि इसको चाहिए भाई अब और भी ज़्यादा सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी के लिए ये क्या करना पड़ेगा, इसको करने पड़ेंगे नए नए बिजनेस ओपन शहर में, और नए नए बिजनेस जब ओपन करेगा तो उससे आएगा रिवेन्यू, और रिवेन्यू से बनेगी पैसा, और पैसों से
आएगी सिक्योरिटी, समझ रहे हो भाई, दिमाग काफी खतरनाक लगाता है ये अंडरवाटर माफिया। बाकी भाई अभी मेरी गाड़ी भी आने वाली है, तो गाड़ी लेके आए अभी तक नहीं आएगी। अच्छा चेनेरो डिफेंडर ही लेके चले जाऊंगा फिर मैं तो भाई, मैंने तो कह दी थी अंडरवाटर माफिया कोई नई वाली गाड़ी ले जाऊं क्या मैं, फिर उसने मना कर दिया कि नई वाली गाड़ी अभी मैं मीटिंग में लेके जाऊंगा जहाँ पे एक मेरी काफी खतरनाक मीटिंग होने वाली है। पर पूरा स्पॉइलर तो उसने दिया नहीं है, पर जो भी है बढ़िया है भाई, काफी खतरनाक लग रही है। देखो जी वैगन तो अलग चमक रही है भाई, भाई क्या खतरनाक। अब देखिए मैंने इतने और लुक से देखो, आगे की साइड ग्रिल भी हम लगवा के लाए थे, इसने बोला था कि ग्रिल वगैरह सारा काम करवा के लाइयो, तो सारा काम वगैरह हम करवा के लाए गाड़ियों में। बस फॉर्चूनर का भाई अभी यहाँ पे इंडिया से कोई सामान नहीं आया है, तो भाई इसके लिए हमें कहा कि भाई थोड़ा टाइम लग जाएगा फॉर्चूनर के लिए। बाकी डिफेंडर तो भाई एक नंबर है, इसमें तो कोई ये भाई 2-4 करोड़ की गाड़ी है, इसमें क्या ही मॉडिफिकेशन कराऊँ। बाकी फॉर्चूनर पर मॉडिफिकेशन हम काफ़ी जल्दी करवाएंगे। जी वैगन तो भाई पहले से भाई थोड़ा बहुत जो सिस्टम थोड़ा पानी आया था, बाकी ग्रिल वगैरह हमने लगवा दी, और भाई साहब पीछे से भी एक नंबर भाई, टायर का कलर वगैरह सारी चीज़ें सेट करवा दी है कि क्रोम वाला अच्छा लगे। बाकी इसका इंटीरियर ना काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है, बाकी इसका इंटीरियर देख लिया आप सब लोगों ने, अब इसका इंटीरियर दिखाता हूँ आप सब लोगों को। देखो फॉर्चूनर का नॉर्मल इंटीरियर है, शायद ये फॉर्चूनर काफ़ी टाइम तक रखेगा भी नहीं, जल्दी बेच देगा क्योंकि इसकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है ना, तो इसलिए काफ़ी टाइम नहीं रख सकता। बाकी डिफेंडर भी अच्छे, पर सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है ना इंटीरियर AMG का जो उधर वाली है भाई, वो 4 करोड़ की गाड़ी है, काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो भाई मेरे ओए कहाँ गया वो इनका, हाँ ये रहा, अरे भाई साहब मेरी गाड़ी मंगाओ यार फटाफट, BMW i8 तो फिर मैं निकलूँ यहाँ से फटाफट, चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस। तो इनको मैंने बोल दिया BMW i8 आने वाली है आज मेरे को लेने के लिए, तो काफ़ी खतरनाक मज़ा आने वाला है। i8 भाई कभी चलाई नहीं है मैंने, तो उसके लिए मेरे को मीटिंग में जाना पड़ेगा, और बाहर की साइड जाते भाई मेरे को पूरी सिक्योरिटी भी फॉलो करेगी, और भाई छोटे वारिस है जो रॉयल फैमिली के, उससे आज मेरे को जाके मीटिंग कर रही है, उनके होटल साइड जाना है, एड्रेस वगैरह सब कुछ आ चुका है मेरे फ़ोन पर, बस एक बार मेरी गाड़ी आ जाए फिर भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लोगों को तो फटाफट फ़ोन करता है ड्राइवर को, और फिर वो आ जाते हैं जितना आपको करना क्या है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, थोड़ी देर में आपसे लोग को मिलते हैं, लेट्स गो गाइस। यहाँ पे BMW i8 आ चुकी है, और भाई कितनी खतरनाक लग रही है, और इसकी नंबर प्लेट देखियो, अंडर वाटर माफिया UWM अंडर वाटर माफिया 0001। भाई कितनी खतरनाक गाड़ी दी आज मेरे को मीटिंग में जाने के लिए। बाकी इसका इंटीरियर दिखाऊं तो भाई साहब BMW का लोगो, और भाई साहब क्या खतरनाक लग रही है देख के, भाई साहब इस पे दिल आ चुका है मेरा तो भाई। और अब इसको भगा के देखेंगे, थोड़ा पीछे की लाइट हमने जला रखी है, आगे की लाइट जला, ये देखो भाई साहब सिस्टम, भाई काफ़ी खतरनाक चीज़ तो लग रही है, और चलने में भी काफ़ी खतरनाक है, देख सकते हो क्या बात है, क्या बात है भाई। इधर की साइड से हम निकल रहे हैं भाई अंडर वाटर माफिया के बेस से, तो भाई साहब कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। चच्चा नैरवो गेट खोल दो, गेट खोलो 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 खोलो, अच्छा खुला हुआ है, अरे भैंस की डेट आ तो पहले ही खोल दिया इन्होंने ससुरों ने। बाकी भाई सिस्टम हैंग हो जाता है इधर की साइड तो, और बाकी भाई साहब इसका देख सकते हो, अंडर वाटर माफिया के बेस से हम निकल चुके हैं भाई साहब। अंडर वाटर माफिया ऐसे नहीं कहते भाई, पानी के ऊपर घर बना रखा है, भैंस की डेट देख रहे हो पूरे पानी के अंदर। चलो बढ़िया बढ़िया, ये वाला गेट यार अब फिर से फ़ोन करना पड़ेगा मेरे को भाई यार, तो यार फ़ोन करना पड़ेगा। अरे और भी भैंस की भाई आज तो भाई मेरी इज्जत बढ़ गई यहाँ पे भाई, कसम से मेरी इज्जत बढ़ गई है, वरना भाई पहले गेट वे वगैरह सब कुछ खुलवाना पड़ता था, पर अब ऑलरेडी भाई सारी चीज़ें मेरे को भाई जैसे कैमरे में देखते तो खोल देते हैं भाई, क्या बात है क्या बात है भाई। ऑटोमेटिक डोर है जो ये वाला डोर है ना गाइस, ये बुलेट प्रूफ डोर है, तुम कितने हथौड़े मार लो कितना कुछ भी कर लो कुछ भी नहीं होने वाला इस पे। तो भाई हमें यहाँ पे होटल में वेट करना है, जो ये वाला होटल है उसके लिए उसने बोला कि थोड़ी देर में वो आ रहा है भाई साहब अपने सिस्टम सौदा पानी करके, और फिर तेरे साथ सिक्योरिटी को भेजेंगे, और जो हमारे छोटे वारिस से आज मीटिंग होने वाली है उसके लिए हमें इधर की साइड वेट करना पड़ेगा। तो भाई होटल में उसने मेरे लिए रूम बुक करवा दिया है, तो होटल में जाके अभी भाई मैं पूरा सिस्टम सोदा पानी सेट करूँगा। बाकी यार ये वाला गेट इधर वाले से जाना है कि इधर की साइड से जाना है, मेरे को लग रहा है अंडर वाटर माफिया ना कुछ खतरनाक चीज़ करने वाला है, ये वाला तो बंद है भाई, इधर की साइड से खुला होगा फिर, या मैं बैक एरिया में तो नहीं आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, अभी थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं, जैसे सिक्योरिटी आएगी तो फिर उसके साथ हमें निकलना भी है भाई साहब मीटिंग के लिए, काफ़ी खतरनाक मीटिंग होने वाली है, और उसके बाद भाई हमें जाना है एक ड्रग डील के लिए भी जिसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। कोई दिक्कत नहीं गाइस, थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं, और भाई कुछ गिफ्ट वगैरह भी भेजने वाला है भाई रॉयल फैमिली के लिए, तो काफी ज्यादा मजा तो आने वाला है। बस थोड़ी देर में आप सब लोगों से मिलते हैं, जितना आपको करना क्या, अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो मेरे प्यारे भाई, लेट्स गो गाइस। यहाँ पे देख सकते हो सिक्योरिटी वाला बंदा आ चुका है हमारे लिए, और अब यहाँ से निकलने वाला है हम। तो भाई साहब ये जो है इनका हेड है भाई सिक्योरिटी का, वो मेरे साथ आज जाने वाला है भाई मीटिंग में, काफी खतरनाक मीटिंग हम करने वाले हैं।
तो उसके लिए भाई पूरे जो रूल्स है रेगुलेशंस है सब कुछ मुझे बता दिए इसने। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं अपनी I8 लेके, अब I8 लेके निकल रहे हैं भाई जो रॉयल फैमिली का मैंशन है वहाँ पे हमें जाना है, और भाई साहब जो छोटे वारिश है उनसे भी जाके मिलना है हमें। तो भाई साहब और उनके लिए गिफ्ट भी लेके आ चुका, पता नहीं क्या लेके आया है इसके हाथ में जो भी है भाई, वो तो जो भी भाई पेपर सा लग रहा था मेरे को कि भाई ये जो है माइकल है शायद, ऐसा कुछ उसने लिखा हुआ था, और भैंस की टेंट एक उसके अंदर पता नहीं कुछ और भी चीज़ें। तो भाई पता नहीं एक बॉक्स सा लिया है इसने, उसके ऊपर अंदर पेपर कुछ भाई अंगूठी सी भी है और एक पिंक पैंथर जैसा कुछ मुझे दिखा, शायद वही चीज़ हो। तो बाकी गाइस हम निकल चुके हैं भाई अपने I8 में। बाकी I8 बताओ आपको कैसी लग रही है, और I8 का कलर हमें कौन सा कराना चाहिए? अभी तो भाई अंडर वाटर माफिया की कुछ दिन ये वाली गाड़ी मेरे पास रहने वाली है, क्योंकि कुछ दिन पहले भाई हम BMW लेके आए थे, अब वो भी भाई जा चुके हैं हमारी, अब क्या कर सकते हैं। और कुछ लम्हों बाद मतलब कि कुछ दिनों में हम एक ऐसी गाड़ी खरीदने वाले हैं ना, शायद आप सब लोग कहोगे तो यही मैं अंडर वाटर माफिया से भाई जो पैसे मिले हैं उनके बदले में भाई थोड़ा बहुत पैसा देके और ये वाली गाड़ी भी ले सकता हूँ, अगर आप सब लोग कहोगे तो ही लूँगा मैं। बाकी भाई अब रॉयल मैंशन की साइड हम निकल रहे हैं भाई, वहाँ पर पता नहीं क्या सिस्टम सोदा पानी होने वाला है, जो भी होने वाला सीधा वहीं पर जाके पता लगेगा कि कैसे क्या होगा और कैसे क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। पर उससे पहले भाई साहब मुझे ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम भी आ गए, एक और कि भाई साहब जो फैमिली का भाई वहाँ पे भाई एक झगड़ा वगड़ा हो गया इंडिया में नेबर से, तो भाई उसके लिए भी भाई थोड़ा पैसा वगैरह भेजना पड़ेगा। पैसा क्यों भेजना पड़ेगा, सेटलमेंट करने के लिए, जी बिना किसी का सर फूट दिया भाई वहाँ पे, वो तो भाई केस वगैरह हो गया। और मैंने भाई फ्रैंकलिन से भी बात की तो फ्रैंकलिन ने कहा कि पूरी फैमिली पूरी सुरक्षित है, मैं वहीं पर हूँ, मैं काफ़ी जल्दी लॉस सैंटोस भी आऊँगा, पर अभी फैमिली को लाना अच्छा नहीं रहेगा। बाकी ड्राइवर भाई साहब अपने नशे में धुत था, अभी तक भाई उसका कोई हता पता तो मुझे लग नहीं रहा है, बात होती रहती है, वो कहता भाई हाँ भाई माइकल क्या हाल है क्या बाल है, ऐसे ऐसे बातें करता, तो मेरा फिर उससे बिल्कुल मन नहीं करता कि इसको अभी बिजनेस में इन्वॉल्व करने का। बाकी फ्रैंकलिन काफ़ी ज़्यादा समझदार बातें कर रहा है, तो उसको मैंने अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे भेज रखा, और मैं फ्रैंकलिन भी कह रहा था कि पैसे कम पड़ रहे हैं भाई यहाँ पे, तेरे बेटा बेटी भाई काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो भाई मैंने सबको समझाया भी कि भाई पैसा कमाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है, और मेरे को सारा कर्जा वगैरह भी उतारना, और अन्ना ने अगर गलती से कुछ कर दिया ना, क्योंकि अन्ना के जो बॉडीगार्ड है उसका भी हमने आज दांत वगैरह तोड़ के उसको भेज दिया भाई सिक्योरिटी ने, तो भाई काफ़ी खतरनाक सीन। अरे बच गई भाई, अभी तो मेरे को लगा लग गई भाई भैंस की डेंट, चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, अभी पहुंचते हैं भाई साहब जो हमारी रॉयल फैमिली है उनके साथ मीटिंग के लिए, और फिर आपसे लोगों को दिखाते हैं वहाँ का क्या माहौल है पार्टी में, लेट्स गो। चलो ओ माई गॉड, पर उससे पहले एक टेस्टिंग करेंगे गाइस। अब मेरे दिल में एक चूल उठ गई है कि एक टेस्टिंग तो करनी पड़ती है, ये देखो भाई इसकी जो स्पीड टेस्टिंग है ना BMW i8 की, भाई पीछे का लुक कितना प्यारा है इसका, और भाई इसमें अगर छत वगैरह भी लगवानी है तो वो भी हम लगवा सकते हैं, काफ़ी इजी है भाई, ये चीज़ें मॉडिफिकेशन करानी पड़ेगी उसके लिए। पर भाई इसकी हाई स्पीड देखो भाई 200, ओ माय गॉड भाई ये 200 यहाँ पे क्रॉस कर ली रही ट्रैफिक में, भाई ट्रैफिक में 200 क्रॉस करूँगा, देखो आपके सामने ये देखो भाई साहब 200 यहाँ पे, अरे हट जा चच्चा नेहरू, भाई हट नहीं रहा ससुरा, तेरी सासू की जय कर दूंगा अगर गाड़ी को थोड़ा सा भी लगे। बाकी यार काफ़ी गंदा ट्रैफिक हो गया, हम सुबह सुबह निकले थे ना तो सुबह सुबह में यही फ़ायदा होता, पर दोपहर जैसे ही होती है तो भाई इतना ट्रैफिक हो जाता है सिटी में। ये देखो भाई साहब क्या भग रही है गाड़ी भाई, एक नंबर यहाँ पे करूँगा 200 क्रॉस, ये देखो देखो ओके देखते रहो कर दी ना 200 क्रॉस, ये भाई काफ़ी खतरनाक चीज़ है। तो लेट्स गो गाइस, अब सीधा पहुँचते हैं फिर आपसे लोग को मिलते हैं। ओए ये क्या बात है, सिक्योरिटी गार्ड भैंस की डंडी, इसको देख के डर मत जाना, देख रहे हो ऐसे काले काले मुंह खुले के, अरे भाई कहाँ चढ़ा दी थी अभी तो गाड़ी, इसके मुंह देखने के चक्कर में, ये देखो भाई भाई कितने खतरनाक लगते हैं भाई इनके सामने भी, इनको ना हिंदी तो नहीं आती पर थोड़ी बहुत अंग्रेजी में टूटी फूटी बोल देता हूँ तो ये समझ जाते हैं। तो लेट्स गो, हम होटल में तो आ चुके हैं जहाँ पे हमें कमरा वगैरह भी दे दिया, और कमरा देखोगे ना भीड़ लोगों भाई दंग रह जाओगे। ये देखो भाई साहब, आपसे लोगों को दिखाते इधर की साइड से, ये देखो भाई साहब क्या लग्जरी कमरा दिया है मेरे को इधर की साइड, और भाई लेटर वगैरह भी ग्रीटिंग का किया गया है, और भाई जो हम बॉक्स लेके आए ये वाला बॉक्स गिफ्ट में लेके आए उसके लिए, और उसको देने वाले हैं आज भाई, काफ़ी खतरनाक ये वाला रूम है भाई साहब, क्या बात है भाई मज़ा आ गया। और भाई बैग वगैरह भी यहाँ पे रखे हुए हैं, और भाई यहाँ पे अंदर का सिस्टम सोदा पानी दिखाऊं, अरे यार ये वाला गेट ये तो खुल नहीं रहा, चलो बाहर का ही दिखाते फिर आपसे लोगों को, अरे गेट तो खोला मेरा ससुरो, भाई साहब अभी कह रहे हैं कि अभी सर आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी देर आप अंदर वेट कर लो फिर आपको बाहर आने की इजाज़त है, क्योंकि बाहर पार्टी की पूरी तैयारियाँ चल रही है और आप सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सरप्राइज भी होने वाला है। तो भाई मेरे को तो एक कमरे में बंद करके रख दिया है, ससुरों ने इतनी देर से मेरे लिए कमरा ही नहीं खोल रहे भाई, सो के मैं तंग आ गया हूँ यहाँ पे, इतनी देर हो गई है 2-3 घंटे आए हुए भाई, कोई मीटिंग का कोई अपडेट नहीं है भैंस की डेंट, इसलिए तो मेरे को गुस्सा आता है। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। बाकी रॉयल लग्जरी मैंशन में हम आ चुके हैं भाई, इनका जो ये होटल है ना भाई काफ़ी तगड़ा है भाई साहब,
देख के तो भाई साहब मेरा दिल खुश हो गया और काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है यहाँ पे खड़े होने में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वेट करते हैं फिर आप सब लोगों को दिखाते हैं बाहर की दुनिया यहाँ पे क्या होने वाला, खतरनाक सीन होने वाला आज तो। भीड़ लोगों लेट्स गो। यहाँ पे फाइनली गेट वगैरह भी खुल चुके हैं और इधर की साइड देखे तो भाई अब आपको मैं पूरा टूर देने वाला हूँ पूरे होटल का। तो भाई जैसे हमारा ग्रैंड वेलकम हुआ यहाँ पे काफी खतरनाक तरीके से मैट्रेस वगैरह रखे इधर की साइड, अभी भाई काफी ज्यादा भीड़ भड़ाका आया हुआ है भाई होटल में। तो भाई हमारी मीटिंग होने वाली है छोटे वारिस से, तो काफी मजा आने वाला है और बिजनेस डीलिंग में तो भाई एक अलग ही मजा, जैसा कि आपको भी पता है। बाकी बाहर का अंदर का सारी चीजें आप सब लोगों को पूरा टूर देने वाला हूँ। काफी लग्जरी भाई जो कहते हैं ना प्रीमियम इंटीरियर है इनके होटल का। तो यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, दो रास्ते हैं इसके, अभी आपको उधर की साइड जाते हैं ना आपको दिख जाएगा। तो ये देखो उधर की साइड से भी आ सकते हैं, इधर की साइड से भी आते हैं। बाकी क्लीनिंग वगैरह चलती हुई होटल में काफ़ी खतरनाक एक लग्जरी पार्टी रखी है। तो भाई कुछ गिने चुने शहर के कुछ खतरनाक खतरनाक लोग आए हुए इधर की साइड और भाई फुल पार्टी चल रही है। और भाई साहब यहाँ इसके नीचे पता नहीं क्या रखा हुआ है, पता नहीं भाई काफ़ी खतरनाक पार्टी चल रही है इधर की साइड। और भाई लोग वगैरह खड़े हैं, हेल्पर वगैरह भी खड़े हैं और जो रेड वेस्ट में देखो आपको दिखाता हूँ बंदे, वो देखो वो सामने खड़े ना ये भाई पूरे हेल्पर्स वगैरह। और काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है यहाँ पे, काफ़ी खतरनाक पार्टी चल रही है। और भाई हमें जो करना है भाई मीटिंग करनी है, वो भी बिजनेस डीलिंग से, रॉयल फैमिली के छोटे वारिस से। तो भाई देखते हैं क्या सीन होता है, क्या सिस्टम सोदा पानी होता है। बाकी इधर की साइड वो वाली सिक्योरिटी देख रहे हो, अभी तो हमें भाई नहीं बुलाया, थोड़ी देर बाद हम जाके उनको बोलेंगे कि हमें उससे मिलना। बाकी आग वगैरह भी भाई देख सकते हो इधर की साइड जल रही है, क्योंकि हल्की हल्की ठंड तो है ही मार्च के महीने में भी भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिस्टम सोदा पानी सेट करेंगे इधर की साइड में ना, आपको पूरा अंदर का इंटीरियर तो लगभग दिखाई दिया है और बाकी बाहर देखोगे ना भाई बाहर तो बाहर आ जाएगी भैंस की डंट देखते, इतनी खतरनाक खतरनाक गाड़ियां खड़ी है ना भाई। जो मतलब एक जगह है एयरपोर्ट से, वहां पे तुम्हें लाया जा रहा भाई मेहमानों को। ये वाला गेट नहीं खुला क्या यार, ये वाला गेट खुला तो था अभी, चलो कोई नहीं कभी खुलवाते हैं भाई, बाकी तो नहीं खुला। तो भाई साहब इसको खुलवा दो यार, एक बार बाहर जाके आना है मेरे को। यहाँ पे भाई ये ऑटोमेटिक डोर भी लगे हुए हैं यहाँ पे भाई, काफी खतरनाक वाले, जिसको भाई जैसे खोलोगे तो भाई ऐसे भी खोल देते हैं। तो भाई साहब देखो हमने उसको बोला तो उसने खोल भी दिया है मेरे लिए। तो भाई काफी भाई बाहर की चीज दिखाऊं भाई, गाड़ियाँ देखो तुम यहाँ पे कौन सी आई हुई है, बुगाटी चिरोन जो दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक कार है वो आई हुई है, टेस्ला की गाड़ी भी आई हुई है, देख सकते हो टेस्ला की गाड़ी कितनी खतरनाक हो, टेस्ला का लोगो भी लगा हुआ है। तो टेस्ला बिल्कुल ओरिजिनल वाली देख सकते हो भाई, 031 नंबर है, 3 नंबर का। और बाकी पुलिस वगैरह भी इधर की साइड आई हुई है, पूरी सिक्योरिटी काफ़ी खतरनाक तरीके से दे रही है। और भाई एक कहते हैं ना कि किसी ने कुछ करा तो भाई साहब तुम सुपर कार से कुछ करोगे, तो ये देख रहे हो ये घोड़ा, जो ये घोड़ा है ना इतना तेज भगता ना भाई, काफ़ी खतरनाक वाली गाड़ियाँ आ रही है इधर की साइड भाई साहब देख सकते हो। सामने की साइड भी चार्जर वगैरह खड़ी है, क्या बात है भाई, पुलिस वालों को भी काफ़ी खतरनाक सिक्योरिटी के लिए गाड़ियाँ दे रखी है। और ये भाई साहब जो फैमिली का होटल है भाई साहब काफ़ी खतरनाक वाला है और काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। ये कैसी लाइट है भाई, भाई ये देख रहे हो डिपर्स भाई, LED लाइट्स, बैक लाइट्स भाई, बोले तो भाई सिस्टम हैंग है जी भीड़ लोगों इधर की साइड, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई साहब इधर की साइड तो भाई काफ़ी मज़े बांध दिया भाई रॉयल फैमिली ने। अब बस थोड़ी देर बाद हमारी मीटिंग होने वाली है, जैसे अंडरवाटर माफिया का फ़ोन आएगा हम अंदर की साइड चले जाएंगे और फिर भाई बिजनेस डीलिंग्स वगैरह हमें करनी है काफ़ी खतरनाक खतरनाक वाली, जिसके बाद आपसे लोग भी कहोगे कि वाह बेटे मौज कर दी फ्रैंकलिन। ओ ये तो भाई अंदर की साइड फिर से आ चुके हैं इधर की साइड, थोड़ा बहुत वेट करते हैं फिर भाई जो वहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है वो भी दिखाने वाले हैं, काफ़ी खतरनाक सिक्योरिटी लग रही है मेरे को तो वो तो। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी भाई साहब सिक्योरिटी के बारे में भी बात करनी है, सारी चीज़ें भाई खुल के बात करेंगे छोटे वारिस से जो रॉयल फैमिली के हैं कि भाई साहब आराम से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इधर वाली जगह दिखाऊँ, इधर वाली जगह आप सब लोगों ने नहीं देखी ना, अभी दिखाते हैं उस वाले गेट से आया था, अभी इस वाले गेट से आते हैं। तो भाई काफ़ी खतरनाक है भाई, काफ़ी ज़बरदस्त कह सकते हो होटल तो भाई काफ़ी खतरनाक बना रखा है, बेल बॉय वगैरह भाई सामान भी पहुंचा रहे, तो यहाँ पे सामान आ चुका है इधर की साइड भाई। ये ओके वर्क इन प्रो, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है वेट फ्लोर है, तो हमें इधर की साइड नहीं जाना चाहिए और इधर की साइड काम चल रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे मेहमान आए जाने तो भाई सफाई वफाई भी हो रही है, वेट फ्लोर है, उधर चेयर वगैरह का भी निशान दे रखा है, क्या बात है चलो कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इनके होटल में भाई साहब मज़े करने में। बाकी यहाँ से देखो हम गए थे और इधर की साइड और भी रूम्स है, अभी इधर की साइड भी वेट फ्लोर का लगा रखा, पर भाई कितने सारे बक्से आ रखे इधर की साइड। ओहो अरे ये वाला तो रूम थोड़ी ना था मेरा ससुर, मैं भी यार भूल जाता हूँ, काफ़ी कन्फ्यूजन है। एक बोला देखा जाए ना तो देखो मेरे को यहाँ पे ये कोने वाला रूम दिया गया है, तो मैं तो समझ जाता हूँ, देखते तो एक भाई गोल गोल है ना,
तो भाई पूरा ऐसा लगता है ना, सिस्टम हैंग करने वाली चीज लगती है। एक बार अंडरवाटर माफिया का फोन आ चुका है हमारे पास और अब हमें नीचे जाना ही पड़ेगा। तो भाई साहब अभी भागे भागे जाना, क्योंकि वहाँ पे वेट भी करवाएंगे। अभी कह रहे कि फटाफट आ जाओ भाई उधर की साइड। तो हम भागे भागे तो निकल चुके हैं यहाँ से भाई, फटाफट बुला लिया है। थोड़ा बहुत भी लेट होंगे तो भाई क्या पता वो गुस्सा वुस्सा हो जाए, तो उसके लिए मैं भाई भागे भागे जा रहा हूँ उधर की साइड से। और भाई यहीं पर जाके हमें वेट करना, और जैसे भाई साहब अंदर से कॉल आएगा कि आपको बुला लिया गया माइकल डिसेंटा, तो हम अंदर की साइड घुस जाएंगे। बाहर की साइड वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए हमें बोला गया। चलो कोई दिक्कत नहीं सर जी, मेरा ही नाम है माइकल डिसेंटा। तो आपके छोटे वारिस ने मेरे को अभी कॉल पे बताया हमारे बॉस को कि भाई जो भी है सिस्टम सौदा पानी करने आ जाओ आप लोग। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बोल रहे कि थोड़ी देर वेट करो, अंदर हम भेज रहे हैं बंदे को और फिर आपको भी अंदर थोड़ी देर में भेजते हैं। लेट्स गो, जितने हमें यहीं पे वेट करना पड़ेगा और जैसे वेट ओवर होगा तो यहाँ से हम जाएंगे अंदर, और अंदर जो मजा आने वाला आप लोगों को, काफी ज्यादा मजा आने वाला। अंदर जाने का वक्त आ चुका है और भाई साहब हमारे भाई साहब छोटे वारिस सामने खड़े हैं। राम राम जी, राम राम जी, छोटे वारिस राम राम। तो मेरे को अंडरवाटर माफिया ने भेजा है और मेरा नाम माइकल डिसेंटा। तो भाई मैंने फॉर्मल इंटरव्यू तो दे ही दिया, वो बोल रहा है क्या हाल है, मेरा नाम तो तुमने सुना ही होगा। सब काफी खतरनाक गुस्सा सा तो भाई इसमें भरा हुआ लग रहा है मेरे को, ये मेरे को भाई कुछ ना कर दे मैं तो आराम से खड़ा हो जाता हूँ। हाँ जी हाँ जी, तो हाँ हमें जो बिजनेस डील्स हुई है उसके बारे में मेरे को जो सारा डीलिंग सिस्टम सौदा पानी होगा वो मैं ही करने वाला हूँ, और कुछ भी चाहिए तो आप मेरे को फोन करवा सकते हो अपनी सिक्योरिटी के साथ। और जो अंडर वाटर माफिया ने एक प्रस्ताव भेजा है हमारे लिए और आप सब लोगों को भी अच्छा लगे तो आप बता सकते हो, आपके ऊपर कोई लोड नहीं है, बाकी बात आप किंग तो हो ही, हमें भी पता ही है। तो ये वाली जो सिक्योरिटी है ये अंडरवाटर माफिया को भी चाहिए, और उसके बदले वो आपके जितने भी बिजनेस है उसमें डीलिंग के लिए वो हाँ कर देगा। तो उसका प्रपोजल तो यही है, बाकी मैं यहाँ पे ये लेना देना नहीं करने आया हूँ कि आप हमें कुछ दो हम आपको कुछ दें, फिर आप कुछ दो हम आपको कुछ दें। हाँ सारी डीलिंग होगी जो अंडरवाटर माफिया से आप डायरेक्टली कर सकते हो। मैं जो हूँ हर चीज़ में आप सब लोगों का साथ दूंगा और पूरे निश्चय से काम करूंगा आपके लिए भी और अंडरवाटर माफिया भाई के लिए भी। दोनों की तरफ से, मेरी तरफ से तो यही प्रस्ताव है कि हम ड्रग डील्स वगैरह भी करें, सारा बिजनेस भी हैंड ओवर मतलब कि बांट लें, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आना चाहिए और पैसा कमाना चाहिए हमें पूरे शहर पर राज करके। बाकी यही प्रस्ताव भेजा अंडरवाटर माफिया ने तो कि एक सिक्योरिटी चाहिए उसको, अगर आपके बिजनेस उसको आप सौंपते हो आधा पार्टनरशिप में देते हो तो बिजनेस डील्स में तो ये सब कुछ चलता ही है। तो का यही है कि 50% वो आपके बिजनेस में रिवेन्यू चाहता है, जो सबसे बड़ी बात उसने मेरे को बोली है। तो आप देख लो, और बाकी सिक्योरिटी भी वो कह रहा है कि उसके मेंशन पे आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी अगर वो अपनी सिक्योरिटी को वहां पे भेजता है तो आपके बिजनेस पे। तो बाकी आपका जो भी प्रस्ताव है आप वो मुझे बता सकते हो, मैं डायरेक्टली अंडरवाटर माफिया से पूछ लूंगा और आप जो कहोगे वो भी हम सौदा पानी कर ही सकते हैं। बाकी दोनों का प्रॉफिट तो बराबर बटेगा ही, तो वो आप देख सकते हो काफी खतरनाक चीज तो हम दोनों के लिए रहेगी। चलो चलो ठीक है ठीक है, मैं बाहर वेट करता हूँ, आप बता दो फिर, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, तो यहाँ से तो हम आ चुके हैं बाहर की साइड। उसने कहा कि आप बाहर वेट करो और आपका प्रस्ताव है उसके बारे में हम सोच पूछ के बताते हैं। बाहर की साइड सोफे वगैरह लगे हैं, हम वहाँ पे जाके वेट करो। भाई काफ़ी चिल तो बंदा, पर भाई मेरे को लग रहा काफ़ी गुस्सेल भी है, ये देख सकते हो इसकी सिक्योरिटी भाई कितनी खतरनाक सिक्योरिटी है। भाई मेरा तो भाई सिस्टम हैंग हो गया इनको देखते। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वेट करना है हमें, और भाई जो गिफ्ट वगैरह भेज रहे हैं उसके बारे में मैं भाई अभी बात करूंगा जब ये हाँ बोलेगा, क्योंकि अंडरवाटर माफिया ने बोला था अगर वो हाँ बोलता है तभी उसको वो गिफ्ट प्रस्तुत करना। तो चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, अब जो भी है यहाँ पे देखते हैं डीलिंग वगैरह क्या चल रही है, क्या डीलिंग चाहते हैं और क्या हम भी चाहते हैं। लेट्स गो, जो भी है प्रस्ताव होने के बाद ही आप सब लोग को अपडेट देते हैं फटाफट। गाइस यहाँ पे देख सकते हो छोटे वारिस को हमारे तोहफे काफी ज्यादा पसंद आया और वो कह रहे हैं क्या बात है, मुझे तुम्हारी सारी डीलिंग्स वगैरह काफी अच्छी लगी और मेरे को बैठने के लिए यहाँ वो ऑफर किया कि भाई तुम बैठ के आराम से गिफ्ट दिखाओ। तो भाई इनके अंदर देख सकते हो काफी खतरनाक खतरनाक लग्जरी वॉचेस भाई, डायमंड्स और भाई साहब घड़ियां वगैरह क्या क्या भेजा है भाई, सोने की चीजें भाई। रोलेक्स भैया तो काफी ज्यादा भाई साहब सिस्टम हैंग कर देंगे इसी बात पर। भाई छोटे वारिस भैया भाई 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 कह रहे कि काफी ज्यादा
मजा आ गया भाई मेरे को तो देखने के बाद। और मैं तुम्हारी सारी डील्स वगैरह मान रहा हूँ, सारे बिजनेस वगैरह में सब कुछ होगा। और भाई मुझे बिठाया फिर प्यार से, भाई कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक दारू वारू जो पीनी है वो पियो, और आज रात तुम्हें यहीं पे रुकना पड़ेगा। फिर मैंने फिर कहा कि नहीं नहीं मेरी एक डील है ट्रक की, तो वो मैं करके आऊंगा। तो उसने कहा कि ट्रक की डील है और हमारे बिना, तो हमने कहा चलो अब आप ऑफिशियली पार्टनर बन रहे हो। तो भाई साहब फिर हम एक बार अंडरवाटर माफिया से पूछ लेंगे कि हमें मीटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब जो भी सिस्टम सोदा पानी है वो साथ में मिलके ही करने वाले हैं। और अंडरवाटर माफिया ने इसने डायरेक्टली बात की, तो भाई वो भी अभी तक मेरे पास तो फोन नहीं आए, इन दोनों की आपस में बात हुई है कि क्या सिस्टम सोदा पानी होने वाला है। तो काफी मजा तो आ गया भाई आज का। आज भाई यहाँ पे रॉयल फैमिली के साथ हमने काफी अच्छा टाइम स्पेंड करा है, और काफी चिल बंदा है यार। मैं इसको काफी गुस्से वाला समझ रहा था, पर भाई जो इसने मेरे को बैठने के लिए ऑफर किया, ड्रिंक वगैरह करवाई और भाई गिफ्ट वगैरह इसने भाई साहब कहा कि बंदों को भाई खुलवा खोलने के लिए दे दो, मैं आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देना चाहते, आप हमारे गेस्ट हो, वीआईपी गेस्ट हो, तो ऐसे वैसे बोल के भाई काफी ज्यादा मजा आया। और सिक्योरिटी के लिए भी ये कह रहा है कि मैं उसके बारे में सोचूंगा कि मेरे को अंडर वाटर माफिया को मतलब कि जो सिक्योरिटी है उसकी मतलब मेरे को रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, अपनी सिक्योरिटी रखेगा ये बिजनेस पे। क्योंकि अंडर वाटर माफिया का कहना ये था कि आप अगर बिजनेस में 50% लेना चाहते हो तो सिक्योरिटी का भी तो फिर जो चार्जेस होंगे, जो मतलब जैसे ये अपनी सिक्योरिटी देता तो वेल एंड गुड है, वरना वो तो देगा ही, और उसके पास अभी इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि वो घर पर भी सिक्योरिटी रखे, मेरे को भी सिक्योरिटी दे, और वहाँ पर बिजनेस वगैरह ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी दे। तो काफ़ी खतरनाक सीन तो हो ही रहा है इधर की साइड। बाकी भाई साहब डीलिंग अपनी काफी खतरनाक हो चुकी है, और भाई साहब ये भाई साहब कह रहे हैं कि चलो आप पार्टी एंजॉय करो और मैं भी आता हूँ फिर पार्टी में थोड़ी देर में, तो काफी ज्यादा मजा तो आने वाला है भिड़ो को, लेट्स गो। हम तो बाहर की साइड आ चुके हैं और भाई हमारी डील वगैरह पूरी डन हो चुकी है, काफी खतरनाक वाली। क्या बात है, क्या बात है, काफी ज्यादा मजा आया पीड़ू लोगों। हमें तो भाई इस बंदे से बात करके बहुत चिल है और आराम से बात करता है, बहुत ही प्यार से भाई। यूं भी नहीं है कि कोई बिजनेस में अगर उसने दो तीन चीज़ें मना भी की है कि भाई कुछ चीज़ों में मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं रहना चाहता, जैसे कि पुलिस का कुछ भी केस होता है तो वो संभाल लेगा, अगर FIB अंदर आती है तो FIB से अब इनके कॉन्टेक्ट नहीं है, तो इन्होंने पहले वार्निंग दे दी है, अगर FIB वाला कुछ भी सीन हुआ तो मेरे को मत बोलना, उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा। तो अंडर वाटर माफिया ने कहा कि भाई FIB वाला सीन तो मैं देख लूँगा, अगर कुछ भी सीन होता हमारी ड्रग्स डीलिंग वगैरह और भी कारनामों में तो वो मैं सारी चीजें देख लूंगा, बस तेरे को जो बोलना है वो मेरे को कंडीशंस वगैरह एक पेपर पे चाहिए, क्योंकि कल को अगर हमारे अंदर कुछ भी होता है, डिस्प्यूट होता है, तो उसके मतलब कि पेपर वर्क पे ही होगा कि भाई साहब इतना बिजनेस में इतना प्रॉफिट मिलेगा, इसको इतना मिलेगा। तो मैंने कहा चलो सही बात है, ये तो बिल्कुल एग्री कर रहा था वो भी, कि कह रहा था कि सही बात है, मैं अंडर वाटर माफिया की पूरी बातें शर्तें मानता हूँ और भाई उसको भी मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। तो मैंने कहा क्यों ना एक खतरनाक एक इन्विटेशन दिया जाए। तो मैंने अंडर वाटर माफिया से अभी तक बात नहीं की कि जो ये छोटे वारिस है इसको हमारे घर पर, जो मतलब अंडर वाटर माफिया का मेरा घर, तो क्या ये मेरा तो टुच्चा सा घर है, जो उसका घर है अंडरवाटर माफिया का लग्जरी मेंशन जो बना रखा उन्होंने पानी के बीच में, उसमें इसको इनवाइट किया जाए। तो भाई वो बोल रहा है चलो उसके बारे में अभी सोचते हैं, बाकी मैं उसको फोन करके ये वाला प्रपोजल जरूर दूंगा कि इसको एक बार अपने घर के उधर बुलाया जाए काफी खतरनाक तरीके से। बाकी गाइज हमें और भी काम करने हैं तो फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा। एक बार भाई सिस्टम सोदा पानी कर लेते हैं अपने कमरे में जाके। चलो तो ये सामने वाला ही कमरा है, लेट्स गो, यहाँ पे घुस चुके हैं हम। और भाई क्या बात है, एक नंबर है अपना कमरा। तो चलो गाइस अब अपना फटाफट सिस्टम सोदा पानी कर लेते हैं, थोड़ा हक वक भी लेके। अरे भैंस की डेट कहाँ जा रहा हूँ, ये चिकने वाला फर्श है ना भाई, पता ही नहीं चलता किधर जाना। बाकी बाथरूम वगैरह भी देख सकते हो, काफी खतरनाक है यहाँ के, काफी लग्जरी है भाई। ओ माई गॉड, ये किसी ने कुछ अनलाइक द रिमेन ऑफ द मिरर वर्क हियर, थैंक यू। अच्छा यार मैंने शीशा वगैरह टूट चुका है, मतलब हमारे ऊपर पूरी नज़र रखी जा रही है भाई, शीशे के द्वारा एक मैसेज भी लिखा गया है। तो मेरे को यहाँ से फटाफट निकल जाना चाहिए कुछ से पहले कुछ हो, क्योंकि काफ़ी खतरनाक वहाँ पे शीशा वगैरह टूटा हुआ है। भाई साहब कुछ थैंक यू का नोट भी लिखा हुआ है, मैं फोटो वगैरह खींच लेता हूँ और यहाँ से निकलने की फटाफट तैयारी करता हूँ, और अंडर वाटर माफिया को भी बोल देता हूँ कि फटाफट उसको इनवाइट भी कर ले, नेक्स्ट रील हम अपने घर पे ही रखेंगे, मेरे को यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है दोस्तों, तो फटाफट यहाँ से निकलना चाहिए मेरे को। गाइस यहाँ पे देख सकते हो छोटे वारिस की फैमिली के जो मेंबर है भाई साहब, जो ये सिक्योरिटी है वो गार्ड्स है, वो मुझे नीचे तक छोड़ के आएंगे। चलो ठीक है आप यहाँ पे रुक जाओ, मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूँ। बाकी यहाँ पे भाई काफी लग्जरी लग्जरी कार्स आ रखे हैं भाई, काफी अच्छी तरीके से मेरे को ट्रीट किया गया और यहाँ तक छोड़ने में। भाई ये देखो कौन सी गाड़ी आ रही इधर की साइड, लैम्बोर्गिनी भाई, क्या बात है, क्या बात है भाई, मक्लारेन वगैरह भाई, कौन सी गाड़ियाँ, ग्रैंगलर वगैरह भाई, क्या बात है भाई, कितनी लग्जरी लग्जरी गाड़ियाँ आ रही है भाई, शेवरलेट की भी भाई साहब, ये गाड़ी देखो भाई कितना खतरनाक कलेक्शन आया हुआ है भाई, सिटी में ना काफ़ी अमीर अमीर लोग आए हुए हैं,
ये देखो भाई साहब, बेंटली वगैरह भाई साहब, BMW ये वाली भाई, और हमारी IIT भी इधर की साइड खड़ी है। काफी मतलब कह सकते हैं सिस्टम सुधा वाली बंदे आए हुए इधर की साइड। बाकी नीचे की साइड भी काफी ज्यादा मजा आ रहा, पार्किंग देख के भाई दिल खुश हो गया मेरे को तो। यहाँ पे एक से बढ़कर एक गाड़ी आई है, तभी मेरे को भाई अंडर वाटर माफिया ने ये गाड़ी देख के भेजी है कि भाई साहब दिखे तो ऐसी दिखे ना भैंस की टैंड। भाई देख रहे हो पीछे की लाइटें वगैरह जली हुई है। बाकी भाई साहब जो एक चीज करा गया है यहाँ पे आने के बाद, जो एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो नंबर प्लेट, देखो नंबर प्लेट फेक नंबर प्लेट, क्योंकि भाई दुश्मन कोई भी हो सकता है। तो भाई अंडरवाटर माफिया ने मेरे को एक सजेशन दिया कि जाते जाते नंबर प्लेट चेंज करवा लियो, वरना काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर आगे हम कहीं पे घूमते हैं तो। ठीक है छोटे बारिश को हमारे भाई बोल देना, हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। तो भाई साहब यहाँ से निकल चुके हैं, देख सकते हो लग्जरी मैंशन से। तो भाई साहब क्या बात है, होटल वगैरह। वो भाई डिफेंडर इधर की साइड भी खड़ी है, इनके पास भी डिफेंडर भाई ब्लैक जर्सी से और मॉडिफाइड करवा रखी है, ऐसी हम भी करवा सकते हैं। बाकी फैमिली का देख सकते हो भाई साहब क्या बात है, एक नंबर रॉयल होटल है। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, अब तो हम निकल रहे हैं अंडर वाटर माफिया से, एक डीलिंग करनी है जो भाई ड्रग डील है उसके लिए। तो भाई साहब उसके लिए हमें बंदे वगैरह भी चाहिए होंगे, हम अकेले तो जा नहीं सकते क्योंकि भाई साहब काफी खतरनाक सिस्टम हो जाएगा उधर की साइड। बाकी उससे पहले भाई मेरे को एक बार लेस्टर के पास जाना है, और लेस्टर के पास जाके मुझे पता करना है कि कितना पैसा हो गया और अन्ना का कोई अपडेट है क्या। भाई साहब सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि कैसा क्या हो रखा है, सिस्टम सोदा पानी सारा चीज़ें भाई मेरे को पता करनी पड़ेगी। बाकी हमारे बंकर की साइड हम निकल चुके हैं भाई, I8 काफ़ी ज़्यादा लग्जरी गाड़ी है और काफ़ी लग्जरी प्रीमियम फील दे रही है हमें भाई, काफ़ी खतरनाक चीज़ पकड़ लिया हमने ये तो। ओके लेट्स गो, फ्रैंकलिन के उधर की साइड जाना हमें और वहाँ पे जाके सारी चीज़ें हमें चेक करनी है भाई, कैसे क्या सिस्टम सोदा पानी चल रहा है, कैसे क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए भाई साहब, क्योंकि थोड़ी सी भी चीज़ें इधर से उधर हुई तो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है हमारे लिए भी, क्योंकि अन्ना के भी अब मेरी लड़ाई होने वाली है, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है फीलिंग, क्योंकि आज उसके बॉडी गार्ड को पीट पाट के भेज दिया तो भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वो भी तो होगा ही ना भिड़ को, सके आपको पता ही है। बाकी भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से इधर की साइड से हम निकल ही रहे हैं। चलो भाई साहब आप सुपर हाईवे पकड़ेंगे, सुपर हाईवे से फिर हम सीधा निकलेंगे भाई फ्रैंकलिन के उधर, जहाँ पे हमने बंकर वगैरह ले रखा, काफ़ी लग्जरी बंकर हमने लिया है, कुछ भी कहो भाई एक नंबर में जाता। बाकी इसकी टेस्टिंग भाई, गाड़ी भाई जो भगती है ना वाली I8 भाई, आई लव दिस कार भाई, हो जाता फिर तो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे हम पकड़ चुके हैं, इधर की साइड से हमें भाई साहब एक कट चाहिए, और कट में हमें ऊपर चढ़ के भाई साहब सीधा फ्रैंकलिन के उधर निकल जाएंगे। फ्रैंकलिन का घर अभी तो भाई पूरा खाली पड़ा हुआ है, उधर तो मैंने जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि फ्रैंकलिन हरा भी मुझे बोल के गया था कि चौप वगैरह का ध्यान रखियो, तो चौप को भाई मैंने लमार के पास भेज दिया और लमार पूरा ख्याल रख रहा है उसका काफ़ी खतरनाक तरीके से। बाकी भाई अभी जो चीज़ होने वाली है मेरे को होने वाली, देखो अंडर वाटर माफिया अपना बिजनेस के लिए देख रहा है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के लिए इसको चाहिए जो रॉयल फैमिली है ना, इसको भाई क्या चाहिए कि इसको भाई इसके बिजनेस वगैरह आराम से स्मूथली रन होते रहे, कोई भी दिक्कत पानी नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए भाई दोनों मतलब एक दूसरे से काफ़ी खतरनाक वाली डीलिंग्स तो कर ही रहे हैं, हमें क्या, हमें तो भाई साहब सिस्टम खुदा पानी सेट करना है, हमें तो जो मिलेगा भाई कर देंगे और जो कहेंगे वो करना ही पड़ेगा ना भीड़ तो। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, अब यहाँ पे ड्रिफ्ट वगैरह चेक करा, अरे नहीं 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 भाई बच गई, बाकी नंबर फेक नंबर प्लेट में हम हटा देंगे, पहले पहुँचे हमारे सीक्रेट बंकर में और वहाँ से भाई पूरी हमारी जो अपडेट है भाई, हमें अपनी लाइफ भी तो देखनी है ससुरों के बीच में, तो चलते सीधा वहीं पर आपसे लोगों को दिखाते हैं वहाँ का क्या अपडेट है। काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे, लेस्टर भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं यार क्या हो गया, ससुरों ने भाई बंकर के अंदर है भी या नहीं भी है, बंकर वाले नंबर पे फोन किया कोई अपडेट नहीं है, पता नहीं कहाँ ससुरा भाई दारू पी के पड़ा होगा भैंस की नड़िया, वो ड्राइवर के साथ चले हो गए होगा दारू पीने। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, हमारे सीक्रेट बंकर की लोकेशन आ चुकी है भाई, कितनी गाड़ियां खड़ी करने लगे इधर की साइड, एक तो कंटेनर टिकवाने पड़ेंगे देख सकते हो इधर की साइड, ये बंद कर रखा अपने रेस्टोरेंट और यहाँ पे ये चीज लगवा रही है, इसके थ्रू भाई किसी को भी पता नहीं चलता, बाकी अंदर की साइड चल के देखते हैं। चलो भाई साहब इस लेस्टर की तो गुद्दी तोड़ूंगा जाते पहले, भाई साहब देख सकते हो अंदर की साइड क्या लग रही है अपनी I8 भाई साहब, और आराम आराम से चलना पड़ता है इधर की साइड देख सकते हो, किसी कोई भी आए तो यहीं तक देख के चले जाता है कि भाई सामने कुछ भी नहीं है, खाली तो पड़ा हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी भाई साहब यहाँ पे सीक्रेट, ओ नहीं 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 भाई 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 ओए ये भाई अन्ना की सिक्योरिटी यहाँ पे क्या कर रही है भाई, इन्होंने मेरे को देखा नहीं क्या, बच के इनको लग रहा है कि इनका कोई बंदा आया है, नहीं 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 काफी गंदा सीन हो रखा भाई यहाँ पे, तो एक बार छुप के देखते हैं भाई इधर की साइड, भाई साहब अन्ना की सिक्योरिटी यहाँ पे क्या कर रही है, लेस्टर को तो नहीं पकड़ लिया इन हरामियों ने भाई, हमारा सीक्रेट बंकर का इसी लोकेशन पता चल गई है और भाई ये सारे बंदे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वक्त आ चुका है दोस्तों पूरा पावर दिखाने का अपना, तुम्हारी सासू की जय, हमारे बंकर में आओगे
ये लो बेटो तुम्हारी भैंस की टैट, तुम्हारी सासू की जय। अच्छा 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 सिक्योरिटी बनोगे, तुम्हारी सासू की जय। भाई साहब तुम्हें बताता हूँ, चिंपैंजी यहाँ पे बनाता हूँ। ओ भाई साहब काफी खतरनाक लड़ाई हो चुकी है यहाँ पे, देखो तो तुम्हारी सासू की जय। ससुरो भाई कितनी कितनी ज्यादा पावर है भाई साहब, यहाँ पे काफी खतरनाक सीन हो चुका है, देख सकते हो भाई साहब। इनकी सासू की जय करनी पड़ेगी मेरे को भाई साहब। चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भाई ऑल टाइम रेडी रहता है तुम्हारी भैंस के लिए। अभी भी देखो पड़े पड़े गोली मार रहा है ये ससुरा भाई। तेरी सासू की जय, तेरी सासू की जय। ये ले बेटा ऐसा मारोगे ना हेडशॉट, तुम भी याद रखो कितने आ जाओ कितने। ओ भाई मैक्सिम रिलोड होते हुए। चलो भाई साहब काफी मजा आ चुका है इधर की साइड, इसको मजा छपा के। ओ ये क्या बात है भाई, काफी ज्यादा चौधरी बनेंगे, नेता बनेंगे, ये बनेंगे नेता। किधर किधर है ससुरे, तू भी आ पहले तू आ बेटे, तेरा चाम तारना पड़ेगा। ला आ जा। और कोई है, और कोई बचा माइकल लाल जो माइकल को मार सके यहाँ पे। भाई काफी ज्यादा जख्मी हो चुका मैं भी। अभी भी देखो इस ससुरे को अभी भी चैन नहीं है अभी भी। चलो कहाँ पे अब लेस्टर का पता करना पड़ेगा, लेस्टर मेरे को यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। और सारे बंदे मैंने यहाँ पे मार दिए देख सकते हो, और मेरे को काफी ज्यादा दिक्कत हो गई है भाई। मेरे को भी एक दो जगह बाहों में गोली लगी है, क्योंकि वेस्ट वगैरह बाहों पे नहीं थी। मैं भाई सीधा मीटिंग से उधर की साइड आया था, और भाई यहाँ पे अन्ना के बंदों ने मेरे पे हमला कर दिया, तुम्हारी भैंस की टेंट भाई। और पैसा वगैरह ले जाने की भाई कर रहे थे ये, देखो भाई ट्रोली में लोड कर लिया था इन्होंने पैसा, और ये देखो ले जाने की भाई कोशिश थी इनकी। चलो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, हमारे लेस्टर भैया को भी हम फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी पुलिस यहाँ पे पहुंचती होगी, खून खराब पूरा कर दिया। और बाकी सारा सिस्टम देखो कैसे चढ़ाने के लिए तैयार थे ये भाई। भाई बच गए भैंस की टेंट, वरना अगर हम थोड़ा सा भी लेट होते तो सारा सिस्टम सोदा पानी हैंग हो जाता। अंदर की साइड भी कोई है क्या? अंदर की साइड तो कोई भी नहीं है, दिख तो नहीं रहा है। चलो फटाफट यहाँ से अब निकल लेते हैं, क्योंकि काफी खतरनाक सीन तो इधर की साइड हो ही चुका है। भाई साहब अपनी गन वगैरह अंदर रखते हैं, और भाई साहब फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि काफी गंदा सीन हो चुका है। हमारे सीक्रेट बंकर की लोकेशन भी अभी हमें चेंज करनी पड़ेगी भाई, काफी गंदा सीन कर दिया इधर की साइड तो हमने। चलो अब निकलते हैं फटाफट यहाँ से भाई साहब, देख सकते हो। और इस बारे में भाई ये अंडरवाटर माफिया को भी नहीं बता सकते कि हमारा कोई सीक्रेट बंकर है, उस पर अटैक हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, तो हमें यहाँ पे भी अब लग रहा है कुछ ऐसा सिस्टम सोदा पानी रखना पड़ेगा, जिसके थ्रू यहाँ पे भी सिक्योरिटी डालनी पड़ेगी मेरे को लग रहा है। बाकी भाई साहब अन्ना को चीजें पता चल गई, तो अन्ना भाई साहब मुझे छोड़ेगा नहीं। बाकी भाई काफी ज्यादा चोट लगी मेरे को भी, देख सकते हो। ओए भाई मेरे से चलाई नहीं जा रही गाड़ी, तो भाई अभी तो मेरे को जाना पड़ेगा भाई साहब, यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि काफी गंदा सीन हो चुका है वहाँ पे। और अन्ना की काफी खतरनाक वाली सिक्योरिटी हमने मार भी दी है इधर की साइड। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब जो भी है सिस्टम सोदा पानी तो हम देख ही लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। ससुरों के मैंने सासू की जय तो कर ही दिया भाई साहब इधर की साइड से। अरे भाई मेरे से गाड़ी भी नहीं चलाई जा रही, फटाफट मेरे को ड्राइवर को भी फोन करना पड़ेगा। और ड्राइवर भाई मेरे से गाड़ी नहीं चलाई जा रही, मैं कहीं पे भी बेहोश हो सकता हूँ ऐसा लग रहा है मुझको। तो भाई एक बार फटाफट फोन भी कर लेते हैं भाई साहब हमारे भाई साहब ड्राइवर भाई साहब को, कि भाई साहब काफी गंदा सीन मेरे को लग रहा है यहाँ पे। अरे भाई क्या हो रहा भाई, मेरे को काफी ज्यादा चोट भी आ चुकी है। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, फटाफट फोन कर लेते हैं अपने भाई को, ड्राइवर को, फिर उधर की साइड जाके भाई साहब मुझे जाना पड़ेगा डॉक्टर वगैरह के पास भी। काफी गंदा सीन लग रहा है मेरे को यहाँ पे अपना, क्योंकि भाई काफी ज्यादा भाई पेन भी कर रहा है, मेरे हैंड्स वगैरह में गोली लगी है देख सकते हो। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से उधर की साइड पहुँचते भाई। पूरा सीक्रेट भाई लोकेशन पे हमारा अटैक हो चुका है, तो भाई फटाफट लेस्टर को भी फोन करना पड़ेगा कि ससुरे कहाँ है, तू ठीक तो ना, या लेस्टर को तो नहीं किडनैप करके ले गए वो। सारी चीज़ें हमें पता करनी पड़ेगी। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अरे ससुरे भाई साहब आराम आराम से चला लो रे, अरे हट जाओ भाई मेरे से, बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चल रही है। फोन करके भाई ड्राइवर को बुलाता हूँ। जितने आप, अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो मेरे प्यारे भाई, और लाइक भी कर दो। लेट्स गो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो काफी खतरनाक सीन हो चुका था भाई साहब। ड्राइवर के उधर कोई नहीं था, लास्ट लोकेशन मैंने अपने बॉडीगार्ड के मेन हेड को पहुंची, तो वो फटाफट भाई पूरी सिक्योरिटी लेके वहां पे पहुंचा। मैं बेहोश हो चुका था, तो मेरे को इधर की साइड लाया गया, और कुछ खाना भी खिलाया गया भाई। और भाई काफी गंभीर हालत थी, तो मेरे भाई पूरे कोट वगैरह को चेंज करके नए पहनाए गए। बाकी मेरे को डॉक्टर वाली वो वाली जो सूट होता वो पहनाने वाले थे, पर भाई मैंने मना कर दिया, नहीं नहीं मेरे को सूट ही पहना दो। तो भाई कपड़े वगैरह लेके आई मेरी सिक्योरिटी, सारी चीजें करी गई। अभी मेरा चेकअप वगैरह चल रहा है, जो दो बाहों पे गोली लगी थी वो भी निकाल दी गई है। और भाई काफी खतरनाक सीन हो चुका है सिक्योरिटी के लिए भाई, जो अंडर वाटर माफिया ने भाई जो सुनाया इनको मेरे सामने भाई साहब, कि तुम एक बंदे का ख्याल नहीं रख सकते। पर यार मैंने फिर कहा कि ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं अकेला बाहर निकल जाता हूँ, और वैसे मेरे को वहां पे नहीं जाना चाहिए था, वहां पे अटैक उटूक हो गया। तो मैंने भाई झूठी कहानी बनाई कि मैं रोड पे निकल रहा था, तो रोड पे से मेरे को दो तीन भाई बंदे आई जी वैगन टाइप, और उनसे मेरे ऊपर अटैक करा गया। मेरी गन शॉट करने की भाई मेरे पास गन भी नहीं थी, ये बोरा
पूरा लफड़ा मैंने समझाया नहीं, क्योंकि अंडरवाटर माफिया को ये सारी चीजें बताएंगे तो भाई काफी खतरनाक सीन हो जाता, उसको मेरी सीक्रेट लोकेशन का भी पता लग जाता। बाकी रिवील तो हो ही चुके हैं, अन्ना को पता चल चुका, तो हम काफी जल्दी वो वाली लोकेशन भी चेंज करने वाले हैं। बाकी काफी खतरनाक सीन हो चुका है, तो थोड़ी देर भाई मेरे को अब यहीं पे रुकना पड़ेगा, उसके बाद भाई घर पे लेके जाएगी। सिक्योरिटी पूरी आ चुकी है, भाई गन्स वगैरह इनके हाथ में आप नहीं देख रहे होंगे। अब क्यों ना देख रहे होंगे उसका एक रीजन बताता हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर है और हॉस्पिटल के अंदर ऐसा सिस्टम सोदा पानी होएगा तो फिर काफी खतरनाक हो जाता। बाकी भाई जैसे हमारी सिक्योरिटी भाई VIP प्रोटोकॉल से लेके आए ना, मेरे को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था तब तक, पर भाई जैसे अंदर आया पूरा बेहोश करा, डॉक्टरों ने गोली वोली निकाली और अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक तो हूँ, मतलब चलने की स्थिति में हूँ, पर मेरी बाहों में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। डॉक्टर पूछ भी रहा है कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी वाले चेक कर रहे हैं अपनी मशीन वगैरह में सारी चीजें, और बाकी काफी खतरनाक सीन तो आज हो ही चुका था। अरे भीड़ लोगों, ओ नो भाई काफी ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे यहाँ तो, ओ नो 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 नो। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, खीरे वगैरह टमाटर वगैरह खाने, अभी मेरे को बोतल वगैरह अभी मिल्क वगैरह आ चुका है। तो ठीक है गाइस, फिर आज की वीडियो इतने रखते हैं, होप करते हैं आज के एपिसोड में आपको मजा आया, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और आज का एम टारगेट लगते हैं 500 लाइक्स ओनली एंड 20 कमेंट्स रख लेते हैं। चलो ये कंप्लीट करा दो, फिर नेक्स्ट एपिसोड आप सब लोगों के लिए काफी जल्दी लेके आने वाला हूँ, उसमें होने वाली है कुछ काफी तगड़ी तबाही, काफी तगड़ी वाली सिक्योरिटी और काफी नई नई चीजें आने वाली है। तो फटाफट भाई एम लाइक टारगेट फटाफट कंप्लीट करा दो, फिर आप सब लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक ले टाटा बाय बाय, सी यू लेटर, चंगा फिर अगले डी, बाय बाय। सो गाइज, हमने प्यारा कमेंट सेक्शन अपना खोल दिया और प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर भाइयों की तरफ से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अमृत देसाई भाई का कमेंट, जिन्होंने लिखा है पूरी सीरीज स्टार्ट करो सबसे हटकर। तो भाई सबसे हटकर हमने सीरीज तो स्टार्ट कर दी है, बाकी आप कुछ कहना चाहते हो तो भाई साहब आप कमेंट करके बता सकते हो, बाकी इनकमिंग वीडियोस में आप। और बाकी भाई जॉइंट्स फ्री फायर FF7473 भाई ने 46 सब्सक्राइबर्स हो रखे हैं भाई के, 50 करवा दो यार, सब्सक्राइब कर दो भाई को। तो अंडर वाटर माफिया को मार के उसका सिक्योरिटी को अपना बना लो एंड मेंशन पैसे पे कब्जा कर लो यार, वैसे आइडिया काफी अच्छा दिया हमारे जायंट्स फ्री फायर भाई ने, तो भाई ये हम जरूर कर सकते हैं। उसके भाई हमारे नेक्स्ट भाई की कमेंट पढ़े तो अफनान भाई ने जो करा है भाई, आपके घर के ऊपर एयर डिफेंस के साथ माइकल के घर के बाहर टैंक रखो भाई, क्या सॉलिड आइडिया दिया भाई ने भी, तो भाई ये भी हम जरूर अप्लाई करेंगे। आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर, प्लीज लिंक भी नहीं मेरे भाई, लाइक मी। ओके भाई मोहम्मद भाई, आपको मैं करता हूँ लाइक, बिल्कुल कोई नहीं, एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब माई चैनल एंड आगे ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। ब्रो क्या मैं तुम्हें याद हूँ लाइव पर आता था, सुभाष चंद, बिल्कुल भाई मेरे को बिल्कुल याद हो, आप मेरी लाइव में आया करते थे सुभाष भाई, और VC पे भी मैं आपसे मिला हूँ। तो गाइस फटाफट डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, हम अपने सब भाइयों से बात करते हैं। ओके बाकी भाई नीरज कुमार गेमर्स ने लिखा है हमारे भाई ने, वंडरफुल एंड नाइस बॉडी गार्ड। ओके थैंक यू मेरे भाई, आपको मैं रिप्लाई भी करता हूँ, ये लो मेरे प्यारे भाई, लेट्स गो, आपको दिल भी मिलेगा। नीरज भाई ने एक और कमेंट किया विद फुल ऑफ हार्ट्स रेड हार्ट्स, क्या बात है। और भाई न्यू अनबॉक्सर भाई ने 3346 भाई ने करा है कि भाई गेम नेम GTA 5, हाँ भाई बिल्कुल गेम नेम GTA 5। और भाई हमारे टिकोले भाई ने करा है Part 2, सीताराम भाई ने हमारा क्या है Part 2, तो Part 2 आ चुका है मेरे भाई। और हॉट गर्ल ने कमेंट करा है गाइस, ये कैसे कैसे नाम आ रहे, चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, हॉट गर्ल ने लिखा है OP, थैंक यू सो मच हॉट गर्ल। एंड मानक भाई ने लिखा है डू स्टॉप एट लेक अनाना भी, भाई इसका समझा नहीं यार मैं, थोड़ा अगला जो आ रहा है अपना वीडियो उसमें जरा कमेंट करके बताओ कि डू स्टॉप एट लेक। अन्ना भाई लिखा आपने कि कुछ समझ नहीं आया, अन्ना बी कुछ लिखा आपने ऐसा। और इस्लाम भाई ने हमारे ने भाई पूरी इमोजीज दिखाए हैं फेस वाले, क्या बात है, थैंक यू सो मच भाई। गाड़ियों के साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है, कम करो इसका। ओके मेरे भाई जायंट फ्री फायर भाई, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया था और कमेंट सेक्शन में भी, और ये अप्लाई हुआ है तो आपको गेम में भी दिखा होगा काफी खतरनाक तरीके से। बाकी रोलेक्स सिक्योरिटी आपको दिख जाएगी आने वाली वीडियोस में भी, काफी खतरनाक वाली, और थोड़ी बहुत इसमें भी दिख गई। लेट्स वोट फॉर इंडियन स्विफ्ट, ओके इंडियन स्विफ्ट भी लेके आ जाएंगे। ओके मेरे भाई ठीक है, सबको अब रिप्लाई देने का वक्त आ गया है। ओके तो भाई यहाँ पे रिप्लाई कर दिया है, ओके सून मेरे भाई, बिल्कुल भाई सबको भाइयों को हम रिप्लाई देते हैं, जैसे कि आपको पता ही है, तो फटाफट रिप्लाई देते हैं, क्या बात है।
भाई आप GTA की न्यू वीडियोस कैसे बनाते हो, एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो लेके आओ भाई, समथिंग न्यू 666 भाई ने ये लिखा है। ओके भाई, वेरी सून कर देते हैं भाई को हम, भाई बिल्कुल लाएंगे। और बाकी भाई काफी मेहनत लगती है तो कमेंट वगैरह कर दिया करो, चलो कोई नहीं है। ड्रिफ्ट साहिल भाई ने लिखा भाई रीअपलोड, तो भाई उसमें ना थोड़ा कंटेंट कॉपीराइट का थोड़ा सीन हो गया था, तो मैंने इसलिए ये वाली वीडियो रीअपलोड करी थी। बाकी काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है और काफी मजा आया है, काफी क्या ही बोले अब इस भाई को। तो हम भाई कौन सा गेम है भाई, GTA 5 इस गेम का नाम है। तो भाई साहब इन भाई को भी हम कर देते हैं रिप्लाई और लाइक भी कर देते हैं भाई। और भाई साहब नीचे दाए, इसका सपोर्ट मेटर नहीं करता बिकॉज ये लोग किसान के खालिस्तान वाले लोग हैं। तो कोई दिक्कत नहीं गाइज, वो पुरानी वीडियो तो हमने देख लिया। और कितने में देगा मोड भाई, मैं कोई मोड सेल नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। अब इससे आगे क्या ही बोलूँ भाई, अपने आप जो भी है अपने पेड वगैरह ले लेते हैं। और भाई आप भी ले सकते हो, जैसा कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाती है सारी चीज़ें। तो गाइज ये हमारे कुछ प्यारे कमेंट्स आए हुए थे अभी के टाइम पे, और हमने भाई सबका रिप्लाई कर दिया है। और कुछ भाइयों को शायद मैं दिल देना भूल गया, तो सबको भाई दिल देंगे, अपना लाइक करेंगे और सब को रिप्लाई करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सबको यहां तक तो हमने दे ही दिया बिल्कुल भाई, सबको लाइक और कमेंट का भी रिप्लाई कर दिया है। ओके भाई, कई कई भाइयों को, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, अब करेंगे। ओके ओके भाई ठीक है, तो भाई सबको हमने रिप्लाई कर दिया प्रॉपर तरीके से। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चंगा फिर अगले